कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि H2O हमारे पास है, जो कि सब लोग जानते हैं, H2O हमारे पास ये मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, ये मॉलिक्यूल है आर या कंपाउंड, इनमें से कौन सा है? तो अगर आप कहेंगे कि ये हमारे पास मॉलिक्यूल है और कंपाउंड नहीं है, तो आप गलत है। अगर आप ये कह रहे हैं कि ये कंपाउंड है लेकिन मॉलिक्यूल नहीं है, तो भी आप गलत हैं, दोनों बात में आप गलत हैं। H2 हमारे पास मॉलिक्यूल भी है, कंपाउंड भी है। अगर मैं ये कहूँ कि H2 हमारे पास मॉलिक्यूल है फिर कंपाउंड है, तो ये बात भी गलत है। H2 हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है फिर मॉलिक्यूल है, ये बात याद रखना। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है, अगर मैं आपसे कहूँ कि फास्फोरस हमारे पास जो है, फास्फोरस ये हमारे पास एटम्स है, एलिमेंट है, मॉलिक्यूल है या कंपाउंड है, ये क्या है? अगर मैं